ये लोग किस तरह से पाकिस्तान को घेर रहे हैं, ये देखिए पूरी प्लानिंग है। लीबिया को कैसे तबाह किया गया, सीरिया को कैसे हुआ, ससुर अरबों खरबों का हथियार छोड़ के गया है। ये वही पाकिस्तान है जिसके एक बार कहने पे हम सैटेलाइट ट्रैकिंग सिस्टम कहाँ लगाए, हासन कौन सैटेलाइट कहाँ है, किधर क्या कर रहा है, सारा ट्रैक कहाँ से कर लेता है हासन। कोई सैटेलाइट गिरने वाली है, हासन से देख के बता देता है। हमारा सैटेलाइट रास्ता भटक गया, हासन में बड़का बड़का एंटीना लगा हुआ है इसरो का, समझ में आ गया कि नहीं। यहीं से ट्रैक किया जाता है, यहाँ पर किसी को दिक्कत, सब हम लोग ट्रैक कर लेते हैं, लोग कहाँ से, हासन से। 1998 में जब हम लोग परमाणु परीक्षण करने जा रहे थे तो अमरीका ऊपर से सैटेलाइट लगा के देख रहा था पोखरण में, क्या कर रहा था सैटेलाइट, सब हासन से पता चल जा रहा था उनका कहाँ पे क्या चीज कैसे कैसे है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अभी ये अमेरिका कभी नहीं चाहता है किसी के पास परमाणु बम हो। ये लोग इस तरह से पाकिस्तान को घेर रहे ना कि आने वाले 8 से 10 साल में उसको इतना टॉर्चर कर देंगे, इतना टॉर्चर कर देंगे, खाए भी ना मरने लगेगा। पॉलिटिकली एकदम से क्या कर रहे हैं, उसको अनस्टेबल कर रहे हैं। मेरे चाचा को गिरफ्तार कर लिया सब, हाँ, अरे वही चाचा लेकिन इमरान खान ना उतना एक्सट्रीमिस्ट नहीं है, जिसका रीजन है, इमरान खान जब क्रिकेटर थे तो बहुत बार भारत आए थे, और भारत आने के बाद लोगों के अंदर थोड़ा मेल मिलाप हो जाता है, असर है ना मिट्टी का, तो वो उतना एक्सट्रीमिस्ट नहीं है। लेकिन उसको बेचारे को डाल दिया जेल में, मेरा चाचा गया। अब वहां इतना उठपटांग स्थिति करेंगे सब, ये देखिए पूरी प्लानिंग है। हम आपको बताते ना, लीबिया को कैसे तबाह किया गया, सीरिया को कैसे हुआ, ईरान को किया, ये तबला बजाएगा सब इन लोग का। ईरान पूरी तरह जब अमेरिका को तबाह करेगा सब, और उधर पाकिस्तान को चाइना पैसा देना बंद करेगा, इधर भारत नया नया डिफेंस सेक्टर में ले जा रहे हैं यहाँ पर इधर में, और उधर अफगानिस्तान से तालिबान वालों के पास हथियार छोड़ के अमेरिका जानबूझ के भागा है, हथियार छोड़ के भाग जाइएगा जी आप, हाँ यहाँ आदमी ट्रेन में 200 का चप्पल ना छोड़ता है, ससुरा हेलीकॉप्टर जहाज तोप टैंक अरबों खरबों का हथियार छोड़ के गया है, अरबों खरबों का, पूरा अमेरिका से उठा के चले तुम हथियार ही छोड़ देगा। अरे पाकिस्तान वालों को क्या समझ में आ रहा है बाबू, ये किसके लिए छोड़ा गया। जब ये चौपट होगा, वर्ल्ड बैंक पैसा देने से मना कर दिया, चाइना पैसा देने से मना कर दिया, सऊदी अरब पैसा देने से मना कर दिया, उनको जो लोन लेना है वो चुकाने का पैसा नहीं है। अब आएगा IMF, IMF कहेगा कि एक साथ तो पैसा देंगे, धीरे धीरे करके परमाणु बम को डिस्ट्रॉय कराएंगे सब, क्या परमाणु शक्ति संपन्न का स्टेटस छोड़ना पड़ेगा। ये सारी रणनीति बस उसी के लिए है, सारी रणनीति। इसलिए देखिएगा बड़ा उटपटा फील करता होगा पाकिस्तान, ये वही पाकिस्तान है जिसके एक बार कहने पे अमेरिका परमाणु बम लेके भारत को मारने चलाया था। सोच सकते हैं कितनी घनिष्ठता होगी, मारने चलाया ससुरा, वो तो रूस था तो आदमी हो गया, नहीं तो ससुरा को ठीक था एक रहा ले डूबता कहीं ना कहीं यहाँ पे। अरे अमेरिका से हम लोग उस समय नहीं ना लड़ सकते थे, आज ऐसा है कि आज हम लोग अमेरिका को भी पानी पिला देंगे लोग, समझ में आएगी नहीं, क्योंकि कैपिटलिस्ट देश है। आपको एहसास नहीं होगा, आप लोग के हाथ में भी है अमेरिका को पानी में, ज्यादातर बड़ी बड़ी कंपनियां अमेरिका की हैं, फेसबुक भाड़ में गया। अब भारत वाले पे जब तक देश पे समस्या नहीं आता है तब तक ये एक नहीं होता है सब, अभी चिल्लाते रह जाओ चाइनीज प्रोजेक्ट का बहिष्कार नहीं सुनेगा, और जहां चाइना कहीं तमाम धाम करेगा बाहर में जो चाइनीज मोबाइल बाहर में जो छोड़ देता हूं यहां पे, नहीं समझ में आया। तो अमेरिका कैपिटलिस्ट देश है, भारत से बहिष्कार होना चालू होगा, समझ में आ गया कि नहीं आएगा, और भारत पे हमला होगा और हम लोग शांत बैठेंगे। अरे हम लोग फौज में नहीं गए तो इसका मतलब कौन सी हुआ कि आदमी फौजी वाला जज्बात छोड़ दिया है। तो ये सब चीजें पाकिस्तान को क्या किया जा रहा है, घेरा जा रहा है। हम लोग के लिए तो अच्छा, हाँ हम लोग के लिए क्या दिक्कत, अच्छा उन लोग को समझ में नहीं आता है, अभी उन सब को समझ में नहीं आ रहा, मत आए समझ में। असल में अंग्रेज जितने हैं सब ना, अंग्रेज सब ये अगले 100 साल का प्लान बना के चलते हैं, ये अभी थोड़ी करेगा इनको, 2040 का प्लान है उन सब। पाकिस्तान वालों को 2 साल तक के आगे का तो सोचता नहीं है सब, अभी तो बस इतना सोच रहा है सब कि भाई खाए पिए कैसे हैं। आगे बढ़े, हासन बहुत जरूरी है कि नहीं है, और भारत ने उसको ऑफर भी दिया था पाकिस्तान को कि हम तुम्हारे लिए भी सैटेलाइट छोड़ देंगे, कहा कि ना हमें जरूरत नहीं है, तुम हमारी निगरानी करोगे। भारत ने कहा ठीक है जाओ, सैटेलाइट वह छोड़ दिया। अरे बैल कहीं का निगरानी तुम्हारे पूछ के किया जाता है, वो भी अंतरिक्ष से,
कार्मल लाइन है 100 किलोमीटर बाद, 100 किलोमीटर ऊंचाई को हम कार्मल लाइन कहते हैं, उसके ऊपर अंतर्राष्ट्रीय नियम है, तो 100 किलोमीटर के ऊपर हम लोग का सेटेलाइट कराची के ऊपर खड़ा रहता है। पाकिस्तान को तो पता ही नहीं है, इसलिए खुश है, कहता हमारा कुछ नहीं हो सकता है। कहां कुछ दिख रहा है 100 किलोमीटर कुछ दिखेगा जी? अरे थोड़ा ऊंचाई पे हवाई जहाज चल जाता है तो नहीं दिखता, तो कार्बन लाइन के ऊपर जाता है। बहुत बेहतरीन काम किया है इसरो ने।